प्रोफेशनल और टेक्निकल एरर है। अलका लांबा, बड़ा दिल रखते हुए पंजाब की सरकार को आप रिप्रेजेंट कर रही हैं, कांग्रेस को ये मान लेना चाहिए कि गलती हो गई, चूक हो गई, लेकिन इसके इतर आप लोग जब ये करने लगते हैं कि वो तो भीड़ नहीं थी भाई साहब, इन लोगों ने एक पॉलिटिकल ड्रामा करने की कोशिश की, शोभा नहीं देता है अलका लांबा। बिल्कुल सही कहा आपने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इस तरह की राजनीति करना शोभा नहीं देता है कि वो पूरे पंजाब पर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर विश्व भर को बता गए अपने ही जमीन पर, अपनी ही धरती पर, अपने ही भारत के, अपने ही पंजाब के भटिंडा से वो जिंदा बचकर चले गए। और यहाँ तक कह रहे हैं कि पाकिस्तान बिना बताए गए थे, वहां से सुरक्षित लौटे, यहाँ खतरा आ गया। शर्म आती है, बंद करिए पंजाब और पंजाबियत को बदनाम करना। ये प्रधानमंत्री जी पहली बार नहीं है रूबिका, आपने कहा देश के इतिहास में पहली बार हुआ, नहीं हुआ पहली बार। पढ़िए, प्रधानमंत्री मोदी जी बिना सुरक्षा के रूट के स्वच्छता श्रमदान के लिए निकल गए थे। तस्वीरें, एक सेकंड, ये नोएडा में कॉन्वॉय में फंस गए थे, जांच बिठाई गई, तब तो नहीं कहा प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा को खतरा था, राष्ट्रपति जी तक जाइए, सुप्रीम कोर्ट तक जाइए, ये तो बहुत बार हुआ है। वाराणसी में भी 2005 में, सॉरी अपना ये जो है वाराणसी में 2009 में प्रधानमंत्री जी, मैं माफी चाहूंगी, अहमदाबाद के अंदर 2009 में मनमोहन सिंह जी के ऊपर जूता फेंका गया था, 2005 में नवंबर में जेएनयू में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को काले झंडे दिखाए गए थे, ठीक है। तो ये कहना, और रकाबगंज गुरुद्वारा सुबह सुबह प्रधानमंत्री जी बिना पुलिस, दिल्ली पुलिस को सूचित किए चले जाते। अब प्रधानमंत्री जी का रूट गुमराह करना बंद करें, बिल्कुल भी सड़क के रास्ते जाने का कोई कार्यक्रम नहीं था। सच्चाई है रैली फ्लॉप थी, लोग नहीं आए। सच्चाई है कि पंजाब के किसान, पंजाब के लोगों में गुस्सा भरा हुआ था। गुस्सा था कि दिल्ली की दहलीज पर किसान गया, आपने नहीं सुनी, 700 किसान शहीद हो गया, वो जिंदा नहीं आया, आप फिर भी जिंदा गए क्योंकि आप सुरक्षित थे, क्योंकि आपके पास अपनी एसपीजी थी। लास्ट पॉइंट कहूंगी रूपिका, लास्ट पॉइंट, पंजाब दोषी है, केंद्र सरकार दोषी नहीं है, चन्नी दोषी है, देश का गृह मंत्री दोषी नहीं है, पंजाब की पुलिस का कसूर है, देश की एसपीजी, आईबी, इंटेलिजेंस, खुफिया, बीएसएफ, उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। इस्तीफा देना चाहिए चन्नी जी को, कहा जाता है देश के गृह मंत्री जी को इस्तीफा। लास्ट पॉइंट, थैंक यू रूबिका, आपने मुझे समय दिया, ये लास्ट पॉइंट आपके सामने रख रही हूँ। राज्यसभा में पारित हुआ था, राज्यसभा में क्या पारित हुआ कि सरहद से 50 किलोमीटर का दायरा जो है वो बीएसएफ केंद्र के अधीन है, हम तो आज भी विरोध कर रहे हैं। ये रैली उस 50 किलोमीटर दायरे के बीच में हुई है, बीएसएफ सरहद किसके अधीन था, किसने रैली क्या लिए वो इलाका चुना, अगर एसपीजी को लगता था प्रधानमंत्री की सुरक्षा को खतरा है, पूरी बातें सुन ली है, क्यों पूरे देश में सुना, फिरोजपुर में उस रैली के लिए जो सरहद के करीब, ओके मैं मेरी बात सुनिए, आप ये कह रही हैं कि वहां पर कोई भी नहीं था और वो रैली से बचने के लिए उन्होंने ये सारा का सारा ड्रामा जो है वो रचा, तो भाई आप उनको वहां रैली तक पहुंच जाने देते, दूध का दूध पानी का पानी हो जाता, आपके लिए ज्यादा तस्वीर होती ना। एक सेकंड अलका लांबा, मैंने आप सुना आपको, अब आप मेरी बात सुनिए, ये मैं वहां के अखबार की आपको हेडलाइन पढ़ के सुना रही हूँ, फिरोजपुर, ठीक है, अरे आप लोकल अखबारों में यकीन रखने वाली है, और मैं भी लोकल हूँ, ये लोकल है मैडम, दिस इज लोकल, बारिश में 10,000 लोग पहुंचे, 2.5 घंटे किया इंतजार, फोटो दिखाऊं, फोटो अलका जी, नहीं मैं खाली कुर्सी की फोटो दिखा रही हूँ, ये कुर्सी जो है लेकर लोग खड़े हैं, 2.5 घंटे तक इंतजार किया, ये देखिए फिरोजपुर की तस्वीर आपको दिखा रही है, नहीं खाली कुर्सी है, चलिए मैं कह रही हूँ, मैंने दिखा दिया, आप लोकल अखबार में विश्वास करती है, मैंने आपको लोकल अखबार की एक हेडलाइन दिखा दी है, ये बिल्कुल क्लियर तस्वीर भी दिख रही है, लोग वहाँ 2.5 घंटे तक इंतजार कर रहे हैं, ठीक है, कुर्सियाँ खाली, अरे कुर्सियाँ खाली थी तो मैडम पहुँच जाने देती ना, प्रधानमंत्री को वहाँ पहुँच जाने देती, आप पहुँच जाने देती ना, आपको वहाँ पर, सुनिए आप मेरी बात सुनिए, मैंने बहुत कायदे से आपको सुना अलका लांबा, आप मेरी बात सुनिए, आप मैंने आपको बढ़िया 2 मिनट दिए हैं, अब आप सुन लीजिए, कायदे से सुन लीजिए,
ठीक है, आईबी के ऊपर आप सवाल उठा देंगी, आप एसपीजी पर सवाल उठा देंगी, आप गृह मंत्री पर सवाल उठा देंगी, लेकिन चलने पर आपकी चुप्पी टूट नहीं पाएगी। आपके डीजीपी ने गैर जिम्मेदाराना तरीके से ओपन नहीं कर पाए वो रोड को, इसके ऊपर आप अपनी चुप्पी नहीं तोड़ पाएंगे। अरे पार्टी से बड़ा देश होता है, देश से बड़ा आपका दिल होना चाहिए, लेकिन वो आप कर नहीं पाएंगे, वो आप कर नहीं पाएंगे। शर्मिंदा होना चाहिए आपको, लेकिन वो आप हो नहीं पाएंगे।